क्या फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी ऐसा होता है जिसमें कि एक हीरो जो दूसरों के लिए बहुत सारे गुंडों से लड़ता है? क्या एक आदमी एक से ज्यादा आदमी के ऊपर भारी पड़ सकता है? जवाब है हाँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसा गुरखा ऑफिसर के बारे में जिन्होंने एक लड़की की इज्जत बचाने के खातिर एक साथ एक नहीं दो नहीं दस नहीं बारह नहीं एक साथ फेल दिया 40 चोरों को। कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं पिंक नॉलेज। सितंबर 2010 की है जो कि एक ट्रेन में हुआ था। ट्रेन का नाम था मौर्या एक्सप्रेस जो कि रांची से होते हुए गोरखपुर जा रहा था। आधी रात को करीब 12 बजे जब ट्रेन चित्तरंजन के घने जंगल में जब दाखिल हुआ जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित, तब ट्रेन में पहले से मौजूद कुछ लुटेरों ने ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद उन लुटेरों के कुछ और साथी आकर ट्रेन पर हमला करने लगे। लुटेरों की संख्या करीब करीब 40 था। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लुटेरों ने लोगों के पैसे, गहने और जो भी कीमती चीज था उस सबको लूटने लगे। लेकिन उन लुटेरों को क्या पता था कि जिस ट्रेन को वो लूट रहे हैं उस ट्रेन में उनका बाप बैठा है। उस ट्रेन में कोच नंबर AC3 सीट नंबर 47 पे बैठे थे विष्णु श्रेष्ठा। विष्णु श्रेष्ठा एक नेपाली थे, साथ ही साथ वो एक इंडियन गुरखा सोल्जर भी थे। कुछ ही समय पहले अपने पद से रिटायरमेंट लेके वो उसी ट्रेन में अपनी होम टाउन वापसी कर रहे थे। जिस वक्त ट्रेन पे हमला हुआ उस वक्त वो सो रहे थे। लुटेरों ने जब पैसेंजर के साथ उनका भी बैग और सामान लूटने लगे तब तक तो वो शांत थे क्योंकि कोई भी चालाकी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता था। उनका सब्र तब टूटा जब एक 18 साल की लड़की जो कि उनके बगल में बैठी थी उसे लेकर उसी के माँ बाप के सामने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। तब लड़की ने श्रेष्ठा की तरफ देखकर मदद के लिए पुकारने लगी और कहने लगी, आप एक सोल्जर है और मैं आपकी बहन जैसी हूँ। ये बात सुनते ही श्रेष्ठा ने अपना आपा खो दिया। उस लड़की को अपना बहन समझ के उन लुटेरों के ऊपर टूट पड़े। श्रेष्ठा के पास था खुकरी। खुकरी किस्म का चाकू होता है जो कि हर गुरखा सोल्जर के पास होता है। श्रेष्ठा ने पहले एक लुटेरे को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने ढाल की तरह यूज करने लगी और देखते ही देखते तीन लुटेरों को उन्होंने जान से मार डाला। साथ में 8 लुटेरों को उन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्रेष्ठा की आक्रामकता को देखते हुए बाकी लुटेरों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो श्रेष्ठा के ऊपर अटैक करे। उसके बाद सब वहां से डरकर भाग गए। इस लड़ाई में विष्णु के लेफ्ट हैंड में बहुत ही बड़ी गहरी चोट आई जो कि समय के साथ ठीक हो गया। विष्णु की इस बहादुरी के वजह से 6 लाख तक के सामान बरामद किया गया और कुछ हथियार और कुछ लुटेरे पकड़े गए। उस लड़की के माता पिता ने खुश होकर विष्णु जी को कुछ पैसे देने चाहे लेकिन विष्णु जी उस पैसे के लेने से साफ मना कर दिया। उनके इस बहादुरी के वजह से उन्हें सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। विष्णु जी की गुरखा यूनिट की तरफ से कुछ इनाम मिला जिसमें कि एक सिल्वर कोटेड कुकरी और 50,000 इनाम था और उन लुटेरों के ऊपर जो भी इनाम था वो भी मिल गया। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, लाइक के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर लो।